नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, यदि सिर में दर्द रहता है, दर्द रहने की वजह से हम कोई सा भी काम प्रॉपर नहीं कर पाते, जिससे हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, नींद नहीं आती, इसी सर दर्द के बारे में आपसे एक विशेष चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, ये सर दर्द क्या होता है, किस वजह से होता है, कितने तरीके के होते हैं, देखिएगा। पहला है, साइनस की वजह से सर दर्द होता है, या स्ट्रेस टेंशन की वजह से दर्द हो सकता है, एग्जर्शन बहुत ज्यादा काम करने की वजह से सर दर्द हो सकता है, एलर्जी की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, क्लस्टर वाला सर दर्द हो सकता है जो एक पर्टिकुलर आंख में होता है, और एक हाफ साइड में सर दर्द होना, इसका मतलब माइग्रेन वाला सर दर्द है। ये तो सारे के सारे सर दर्द के टाइप्स हो गए, जो अलग अलग तरीके से सर दर्द होता है। दोस्तों, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जो मोटा मोटा कारण है मैं बताता हूं। हमारी रक्त वाहिनिकाओं में बहुत ज्यादा टेंशन आ गया हो, बहुत ज्यादा पेन किलर खाने की वजह से हो सकता है, गर्दन में यहाँ पे दर्द रहता है जिसकी वजह से सर दर्द होने लगता है, हमारी ब्रेन में कुछ जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें कोई असामान्य न्यूरॉन्स हो गया, या उनमें इस तरह की गतिविधियां हो, उसमें की वजह से सर दर्द हो सकता है, जेनेटिक रीजन की वजह से मतलब आनुवंशिक रीजन की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है या बहुत ज्यादा धूम्रपान करता है उनमें भी सर दर्द होने की प्रॉब्लम हो सकती है, और शरीर में हमारे डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तब भी सर दर्द हो जाता है। तो ये सारे के सारे रीजंस होते हैं दोस्तों। अब इनके पीछे और बहुत सारे रीजंस हैं, ये जैसे कि हमारे रक्त वाहिनिकाओं में स्ट्रेस आना, मतलब किसी वजह से हमारे बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज्यादा तनाव वाली कंडीशन है, उस टाइम सर दर्द रहता है। दोस्तों, इस तरह के सर दर्द के लिए मैं आपको घरेलू उपाय बताने वाला हूं, तो मतलब हम घर सरदर्द का इलाज कैसे कर सकते हैं, और बहुत इजी वे में यदि हम इन जो घरेलू उपाय बताने वाला हूं, जैसा आपको शायद पता होगा आयुर्वेद बहुत बड़ा खजाना है, और आयुर्वेद वाले खजाने से ही मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट आपको नुस्खे बताने वाला हूं। आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी चीज पता लगे, और जो आपको नुस्खा अच्छा लगे वो नुस्खा अपनाएं, जरूरी नहीं कि सारे नुस्खे अपनाएं। तो देखिएगा, मैं वन बाय वन आपको लगभग 13 नुस्खे बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला नुस्खा है, नींबू या गुनगुना पानी पीजिए, जिससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन की कमी पूरी होगी, और क्या होगा, जो हेडेक है, सर दर्द कम होगा। नींबू में आप यदि शहद मिलाकर पियेंगे तो और अच्छा होगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरा घरेलू उपाय दोस्तों, तो इसमें अदरक का सेवन करना है। अदरक के सेवन में क्या करना है आपको, अदरक को कूट के उसके छोटे छोटे पानी में डालना है, और उसके बाद में उसका भाप लेना है, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आप अदरक की कैंडी भी खा सकते हैं, नींबू और अदरक का आप जूस ले सकते हैं, और अदरक का पेस्ट बनाएं, पेस्ट बना के आप सिर के ऊपर लेप लगा के थोड़ी देर रेस्ट करें, तो आपको बहुत इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा, आप विश्वास नहीं कर सकते, आप आजमा के देखें, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, अपन बात करते हैं थर्ड घरेलू उपाय की, तो जैसे आपको तेल की मालिश करनी है, तेल की मालिश क्या होगा, जो आपकी स्ट्रेस रहता है ब्रेन में या रक्त वाहिनिकाओं में, जिससे स्ट्रेस रिलीज होगा, इसके लिए आप अलग अलग कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, जैसे बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, नारियल का तेल यूज कर सकते हैं, या जैतून का तेल यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सा भी, और आराम से धीरे धीरे मालिश करेंगे, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, और आपको बड़ा जल्दी से हेडेक से फायदा हो जाएगा। दोस्तों, चौथा इलाज है इसका, घरेलू नुस्खे का, कि आप अच्छी नींद लें, स्ट्रेस फ्री नींद ले, अच्छी नींद लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपका हेडेक दूर हो जाएगा। दोस्तों, उसी के बाद में मैं बात करूंगा आगे वाला, चंदन के पेस्ट का लेप लगाना है। तो क्या करना है आपको, चंदन लेना है और उसका एक पेस्ट बनाना है, पेस्ट बना के आपको सिर के ऊपर लगाना है, यहाँ ललाट पे लगाना है, जिससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। चंदन ठंड का कारक होता है, सर्दी में इसको थोड़ा सा यूज नहीं करें, और यदि बहुत ज्यादा टेम्परेचर इस तरह की सिचुएशन है तो आपको उस टाइम यूज करना चाहिए, ताकि आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। कई महात्माओं या साधु संत जनरली सिर्फ के सामने ऊपर लगा के रखते हैं, उसका रीजन है कि वो कूलिंग इफेक्ट देता है और बहुत अच्छा रिलीफ करता है।
दोस्तों अब मैं बात करता हूँ पुदीने का। पुदीने को आपको कैसे यूज करना है, पुदीने का आप लेप सिर पे लगा सकते हैं और या पुदीने का आप जूस पी सकते हैं। पुदीने का जूस पीने से आपको डिहाइड्रेशन की कमी जो हो गई थी जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा था वो नहीं होगा। और उसी के साथ में पुदीने में क्या होता है दोस्तों, मैंथॉल होता है, जो मैंथॉल बहुत अच्छा ठंड पैदा करने वाला मिंट जो इसको बोलते हैं, आप कई बार आपने खाया होगा तो बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट देता है। उसी तरह से हमारे सिर पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट देगा और यदि आपने इसका जूस पिया है तो आपको 100% इसका डिहाइड्रेशन कम होगा जिससे आपको फायदा होगा। दोस्तों अपन अब बात करते हैं पुदीने के तेल की। पुदीने का तेल भी आता है दोस्तों। पुदीने के तेल के लिए आपको क्या करना है, इसको बादाम के तेल और जैतून के तेल के साथ मिक्स करना है और फिर धीरे 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 आपको मालिश करना है। आप सोच नहीं सकते आपको ऐसा जल्दी त्वरित तरीके से आपको हेडक या सरदर्द से लाभ मिलेगा। और इसको पुदीने के तेल को आप पानी, गर्म पानी में डाल के भी आप इसका क्या कर सकते हैं, भाप लेंगे, इमीडिएटली आपको ब्रेन में जाएगा और बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, आपका सरदर्द गायब हो जाएगा। दोस्तों मैं बात करता हूं अब तुलसी की, जो लगभग लगभग हर घर में होती है। तुलसी का जूस बना सकते हैं, जूस में आप शहद मिला के पियेंगे तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तुलसी का जो तेल आता है मार्केट में मिल जाता है, इसका आप भाप से आप ले सकते हैं और या तेल का इस मालिश कर सकते हैं, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों ये आप घर पे नुस्खा बना के देखें, अप्लाई करके देखें, आपको बहुत अच्छा रिलीफ होगा। फिर आता है लेवेंडर का तेल, जो सिरदर्द के लिए बहुत लाभदायक होता है दोस्तों। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इस तेल की मालिश कर सकते हैं और इसके भाप ले सकते हैं। भाप लेने के लिए आपको गर्म पानी में इसका थोड़ा सा तेल डालें, 2-3 बूंद, और आराम से भाप लेंगे, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ सेब के सिरके की। सेब का सिरका बहुत लाभदायक होता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन भी होते हैं और इसमें ध्यान देना विटामिन ही बहुत अच्छा सोर्स होता है जो आंखों के लिए अच्छा होता है। इसका जूस या सिरका आपको घर पे भी बना सकते हैं और मार्केट में भी मिलता है दोस्तों। उसमें सिरके के साथ में शहद मिला के पियेंगे, दिन में 2 से 3 बार पियेंगे तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और आप सोच नहीं सकते इतना अच्छा फायदा होता है। डिहाइड्रेशन करता है, बाकी जो सब फूड सप्लीमेंट है उनसे भी बहुत अच्छा रिलीफ देता है और आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, यदि आपको सर में सिर पे बहुत गर्मी हो रही है तो आप ठंडी पट्टी करें, ठंडे पानी की पट्टी करें, या गर्दन में ज्यादा दर्द हो रहा है जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा है तो आप बर्फ बर्फ का सेक करें गर्दन पे तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, आपको इमिडिएटली सर दर्द रुक जाएगा। उसी की तरीके से दोस्तों मैं रोजमेरी की बात करूंगा। रोजमेरी 2 तरीके से आपको यूज करना है। पहला है आप उसका चाय पी सकते हैं, जो हर्बल टी के तौर पर अपन इसको यूज कर सकते हैं, और इसका जो ऑयल होता है उसके ऑयल से आप मालिश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रोजमेरी को सिर दर्द के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा लास्ट, जो लौंग होता है, लौंग में दोनों तरीके से बात करूंगा। लौंग के जो तेल होता है और उसकी जो ऊपर वाली होती है उसको पानी में सीधा गर्म पानी में डालेंगे, उसकी जो भाप निकलेंगी उसमें तेल की जो खुशबू आती है वो लौंग के तेल की आती है। भाप ले सकते हैं और उसका लौंग का तेल यदि मार्केट में मिलता है आपको तो उसके तेल की मालिश करें, बहुत रिलीफ मिलेगा। इसमें एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है और बहुत जल्दी रिलीफ देता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, घरेलू उपाय आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी फायदा कर ले सके। कभी भी डॉक्टर की सलाह बिना आप दवाई ना लें और जब भी दवाई लें फार्मासिस्ट से ही दवाई लें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और बिना गाइडेंस के आप कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। और ये जानकारी के साथ में जरूर बोलूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें। दोस्तों यदि आपको ये काम अच्छा लगा और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।